24 CAS है हमारे पास। चलिए फिर नाम याद करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप में से कौन कौन है जो सीएमए बनने के बाद, आप में से कौन कौन है जो सीएमए बनने के बाद बिजनेस करना चाहता है? कोई है ऐसा? सारे जॉब वाले बैठे हैं, बताइए कोई है या सब जॉब वाले ही बैठे हैं? बोलो भाई, एनी वन वॉन्ट टू डू बिजनेस और जॉब? सब जॉब वाले लग रहे हैं मुझे तो। ओके तो सुनिए भाई, आप जॉब करना चाहते हैं, है ना? मेरा जैसे, मैं सीए बना, मैं सीएमए बना, मेरा हमेशा ये था कि नहीं बिजनेस ही करना अपने को, ठीक है? अभी तक का तो यही है। अब सुनिए, सीएएस के नाम कैसे याद करने हैं उसकी अपन कुछ बात करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, है ना, एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो अपने स्टूडेंट थे, ठीक है, अपने दो स्टूडेंट थे, उनकी ही बात बता रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। ये अपने दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम था अमन और एक का नाम था राकेश, ठीक है? इन दोनों ने कहा कि सर, हम सीएमए तो कर ली पर हम जॉब नहीं करना चाहते, हम बिजनेस करना चाहते हैं। क्या बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो सर, हम ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं जो स्टार्टअप भी हो और मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो, रिटेल भी हो, ऐसा मिक्सअप कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई सोचो, कोई यूनिक आइडिया निकालो। तो इन्होंने एक यूनिक आइडिया निकाला और उसको करना स्टार्ट किया। क्या यूनिक आइडिया था, सुनिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि सर, हम क्या करेंगे, हम कार मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या बनाएंगे, हम कार की एक फैक्ट्री लगाएंगे और ये कार इलेक्ट्रिक होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक कार, राइट? तो इलेक्ट्रिक कार की हम फैक्ट्री लगाएंगे, साथ ही साथ हम उन्हीं कार को जैसे ओला उबर चलती है वैसे भी चलाएंगे, मतलब उसी को हम खुद के लिए, मतलब खुद के अंडर में भी चलवाएंगे कुछ गाड़ियां, एज ए कैब, कैब सर्विस भी देंगे हम साथ में, राइट? तो ये इनका प्लान था। अब जब इनका ये प्लान था तो ये बैठे अपने ऑफिस में और ऑफिस में बैठ के सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए और क्या क्या हमारा प्लान आगे प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले क्या, आप भी कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करने की सोचते हैं तो पहले एक माइंड में छोटा सा एस्टिमेट बनाते हैं कि कौन सी चीज कितने में, अप्रोक्स कितने रुपए में बनेगी और कितने में बिकेगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं क्या? तो इन्होंने देखा कि भाई कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट की लिस्ट बनाई, ठीक है, या यूं कहें क्लासिफाई किया। क्या किया? कॉस्ट को क्लासिफाई किया कि भी कौन कौन सी कॉस्ट लग जाएगी अपनी, ठीक है? ओके, अब कॉस्ट समझ में आ गई कि ठीक है, ये कॉस्ट तो ये लगने वाली है मेनली। तो उसके बाद कुछ चीज फिर कि वही फैक्ट्री लगाएं। अब कई कॉस्ट ऐसी भी है जो फैक्ट्री की साइज पे डिपेंड करती है, होता है क्या बताइए? कई कॉस्ट ऐसी है जो फैक्ट्री की साइज पे डिपेंड करती है, यस। तो सारी कॉस्ट को जानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कितनी कैपेसिटी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मतलब आपकी फैक्ट्री की साइज क्या होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, साल में 10,000 गाड़ी बनानी है, 10 लाख गाड़ी बनानी है, कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी है। तो कैपेसिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके हम कॉस्ट का पता लगा पाएंगे। अच्छा, जितनी कैपेसिटी होगी क्या उसके हिसाब से ओवरहेड लगेंगे, बताइए? जितनी जैसी कैपेसिटी होगी फैक्ट्री की, क्या उसी हिसाब से ओवरहेड चार्ज होंगे? यस सर। तो पहले हमने नॉर्मल कॉस्ट देख ली, मटेरियल लेबर वगैरह देखा, फिर हमने कहा कि कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, कैपेसिटी डिसाइड करी और उसके बाद में हमने उस कैपेसिटी के हिसाब से कितने ओवरहेड लगेंगे ये हमने देख लिया, ओके। अब हमने ये देखा कि सर, कितनी गाड़ियां हमें हमारे कैब वाले वेंचर में चाहिए होगी, ठीक है? तो ऑन यूज, खुद के यूज में, फॉर कैब, खुद ही बनाएंगे और खुद की ही कैब सर्विस में उसको इस्तेमाल में ले लेंगे, ठीक है? तो जितनी मार्केट डिमांड है वो, प्लस जो खुद की डिमांड है वो, इस हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना है, ये प्लानिंग करी इन्होंने। बताइए क्या इनिशियली ठीक है मामला?
क्या इनिशियली ठीक है इनका मामला? अब ये चाहते हैं कि सर इस चीज को और थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करें, तो हमें पता चले कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो हम चाहते हैं हम एक एग्जिस्टिंग हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसकी फैक्ट्री को विजिट करें, ताकि हमें पता चले वो क्या करता है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, पर क्या कोई कॉम्पिटिटर आपको अपनी फैक्ट्री विजिट करने देगा? नहीं, ऐसे तो नहीं देगा। जब उसको पता है कि आप फैक्ट्री डालने वाले हैं, वो थोड़ी करने देगा। तो आप एक कस्टमर के रूप में बन के ये दोनों पहुंचते हैं। ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों ने क्या किया, एज ए कस्टमर बन के अपनी गाड़ी में बैठे और एज ए कस्टमर बन के ये पहुंच गए एक फैक्ट्री में। समझ गए, ये एज ए कस्टमर बन के एक फैक्ट्री में पहुंच गए। ठीक है, कि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देना है और हमें कुछ चेंजेज करवाने गाड़ी में, तो हम जानना चाहते हैं कि भैया आपकी फैक्ट्री कितनी है और क्या उसकी कैपेसिटी वगैरह है। ठीक है, ऐसा बहाना बना के ये फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। आ गए यहाँ पे। अब यहाँ आके इन्होंने क्या देखा फैक्ट्री के अंदर, कि यहाँ पे एक स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें मटेरियल रखा हुआ है। यहाँ पे एक स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, राइट? ठीक है, और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन मशीनों पे लेबर काम कर रही है, इनका स्टाफ काम कर रहा है। ठीक है, साथ में कुछ पावर स्टेशन लगा रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे क्या लगा रखा है, पावर स्टेशन, ठीक है, वाटर स्टेशन, तो जो सफाई वफाई जो भी है उन सब के काम, या धोना, जो भी असेंबलिंग, सब कुछ काम के लिए इन्होंने यहाँ पे सेटअप लगा रखा है। समझ लिया उन्होंने पूरा सेटअप। अच्छा, खास बात क्या थी इस फैक्ट्री की पता है? इस फैक्ट्री में रोबोटिक काम हो रहा था। कैसा काम हो रहा था? रोबोटिक। रोबोटिक काम मतलब ये कि मशीनें जो है वो ऑटोमेटेड है फुल्ली, और वो क्या करती है, इधर से मटेरियल उठाती है, इधर से जो भी ऑपरेट करने वाले जो हैं वो मशीनों पे बैठे हैं, वो वहां से मशीनें उठाती हैं और सब काम करके पूरी गाड़ी को असेंबल कर देती है। असेंबल करते ही उस गाड़ी को क्या कर देते हैं, वो पैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पैक कर देते हैं पूरी गाड़ी को। ठीक है, और पैक करके सीधा जो बड़े वाले कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर में क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं, लोड टू कंटेनर्स। कंटेनर देखे हैं, ऐसे होते हैं ना बड़े वाले। ठीक है, तो ये सीधे उस गाड़ी में कंटेनर में लोड कर देते हैं। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो इन्होंने ये सारी प्रोसेस आके मुझे बताई कि सर ऐसा ऐसा वहां पे तो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि भैया ऐसे कैसे सीधे लोड कर देते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हुआ तो? ठीक है, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हुआ तो? बोले नहीं सर, उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक सुपरवाइजर लगा रखा है, सुपरवाइजर डिपार्टमेंट है ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि लोडिंग से पहले उस गाड़ी को चेक कर लेना, अगर उस गाड़ी में कोई डिफेक्ट निकलता है, किसी भी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकलता है, तो उस प्रोडक्ट को ये सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेपरेट, और उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए अपने सर्विस सेंटर पे भेज देते हैं। बोलो, आई बात समझ में? बोलिए जी, यहां तक कोई बात, कोई डाउट? ठीक है, तो इन्होंने ये पूरा प्रोसेस लगा रखा है कि ये यहां से चले जाते हैं। ठीक है, ये यहां से चले जाते हैं, ये पूरी बातें समझ के। अब जब ये पूरी बातें समझ लेते हैं, तो ये भी जानने की एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ठीक है, फैक्ट्री प्रोसेस तो समझ लिया हमने इनका, अब ये भी तो समझे कि ये माल बेचते कैसे हैं, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो बताइए, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये बात जानने के लिए तो हमें इनके रिटेल आउटलेट जाना पड़ेगा, राइट? तो ये लोग सीधे पहुंच जाते हैं इस कंपनी के रिटेल आउटलेट। ठीक है,
ठीक है, रिटेल आउटलेट पे पहुंच जाते हैं, वहां पे भी कस्टमर बन के जाते हैं कि सर हमें बड़ा ऑर्डर चाहिए, बल्क में क्वांटिटी चाहिए, तो बताइए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ना गाड़ी के शोरूम में कैसे टेबलें लगी हुई रहती है, उस पर बैठ जाते हैं और बैठ के बोलते हैं बताइए साहब आपके प्रोडक्ट की क्या खास बात है, हम आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें, किसी और का क्यों ना खरीदें। तो यहाँ पे जो सेल्समैन है ना, जो सेल्समैन है वो इनको समझाता है कि देखिए सर हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या खास बात है, मैं आपको बता दूं। पहली बात, हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेस डेप्रिशिएट होगा। क्या होगा? लेस डेप्रिशिएशन मतलब लंबा चलेगा, बहुत कम ही उसमें डेप्रिशिएशन होगा, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले बोलता है मैं आपको बता दूं कि इसको दो कर दो, कि हमारा अभी ऑफर चल रहा है ना, पहले ही ललचा देते हैं कि हमारा देखो अभी ऑफर चल रहा है, हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, राइट। नीचे नीचे बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो हम आपको 10% ऑफर दे देंगे, ये इनका कहना है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? हम आपको ऑफर दे देंगे, हमारी गाड़ी बहुत कम डेप्रिशिएट होती है और 0% फाइनेंस भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये तीन ऑफर इन्होंने दिए, बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अमन और राकेश ने कहा भाई यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई, और फैक्ट्री भी हमने देख ली, रिटेल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, कॉम्पिटिटर के बारे में हमें अब सब कुछ पता है। बताइए क्या आपको भी सब कुछ पता है कॉम्पिटिटर के बारे में? यस। अब बात आई कि सर ये वापस आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अपने ऑफिस आ जाते हैं, वापस आके अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, और ऑफिस आके अभी फिर विचार कर रहे हैं कि भाई अगर हमारा कॉम्पिटिटर इतनी फैसिलिटी दे रहा है तो हमारा माल कैसे बिकेगा, लोग हमसे क्यों लेंगे, ठीक है, लोग हमसे क्यों लेंगे, ऊपर से हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी क्योंकि हमारा नया काम है, उनको तो सारी चीज़ें पता है, उनका तो मटेरियल वेटेरियल सब सही रेट पे आ रहा है, तो अगर हमें उनसे कॉम्पीट करना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। बताओ सही सोचा इन्होंने कि कुछ नया करना पड़ेगा। तो अगर इन्हें कुछ नया करना पड़ेगा, आवाज सही आ रही है क्या? एक बार देखना, बोल रहे हो वॉइस स्लो आ रही है, एम आई ऑडिबल? सही है, हाँ हाँ पापा म्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए, घर की बातें सुन जाएगी, इसलिए वो स्लो आ रही है। चलो, तो ऑफिस आके सोचते हैं कि सर हमें तो कुछ नया करना पड़ेगा, अगर नया करेंगे तो ही बात बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो ये आके अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, क्या करते हैं? रिसर्च डेवलपमेंट, कि चलो कुछ रिसर्च की जाए, कुछ नया लाया जाए, ठीक है। जब ये रिसर्च करते हैं तो उस दौरान इनको ये पता चलता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी फॉरेन कंपनी से जॉइंट वेंचर कर लेना चाहिए, हमें किसी जॉइंट फॉरेन कंपनी से क्या कर लेना चाहिए, जॉइंट वेंचर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी फॉरेन कंपनी से जॉइंट वेंचर करते हैं तो हमें वहां से क्या मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, सही है क्या? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाएगा, बोलो सही है?
यस, तो इन्होंने मान लीजिए जापान की एक कंपनी से बात कर ली। जापान की कंपनी ने कहा कि ठीक है हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, ठीक है, और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है कि अभी तक है ही नहीं आपके देश में, तो इंडिया में तो है ही नहीं, तो हम आपको ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देंगे, ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे कि आप देखते रह जाएंगे, ठीक है, ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे कि आप तो देखते ही रह जाएंगे। हमने कहा फिर बस ठीक है, फिर क्या चाहिए। ओके, अच्छा अगर ये टेक्नोलॉजी हम काम करेंगे तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ हमारी सबसे बड़ी टेंशन क्या थी एज ए न्यू वेंचर, कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने वाली है। पर जैसे ही हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, क्या हमारी ये ज़्यादा कॉस्ट वाला टेंशन खत्म हो गया, हमारे ऊपर जो ओवर बर्डन था ना वो रिमूव हो गया। ओवर बर्डन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, हट गया है, तो दिमाग पे जो बोझ था कि इतनी कॉस्ट के साथ काम कैसे होगा वो हट गया है। और जब ओवर बर्डन हट गया तो क्या रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी अब, और हम रेवेन्यू की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यस, तो ये इन्होंने पूरी प्लानिंग करी, ठीक है, और बाद में इनको समझ में आया कि हाँ ठीक है अब हम ये काम कर सकते हैं। बताइए क्या ये लोग ये काम कर सकते हैं आराम से अब, क्या अब इनका वेंचर सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ जी सर, कर सकते हैं। तो हमें इससे क्या सीखने को मिला, तो देखिए अपन तो अपनी बात करते हैं, ये तो अपना काम कर लिया इन्होंने, तो अपन अपनी बात करते हैं। तो सर हमारे CAS में पहला जो CAS है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पहले CAS का नाम है। अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट खोल सकते हैं आप। ओके, दूसरा CAS हो गया आएगा हमारा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, दूसरा CAS, ठीक है, यहाँ पे नाम तो मैंने स्टोरी के हिसाब से लिखे हैं, आप एक बार लिस्ट से नाम देख लेना पर याद हो जाएंगे। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, तीसरा हो जाएगा ओवरहेड्स। तीसरा CAS क्या हो जाएगा, ओवरहेड्स। चौथा CAS हो जाएगा कैप्टिव कंजम्पशन, ओन कंजम्पशन बोल दीजिए या कैप्टिव कंजम्पशन बोल दीजिए, एक ही बात है। पांचवा CAS हो जाएगा ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। छठा CAS हो जाएगा मटेरियल, सातवां CAS हो जाएगा ये एम्प्लॉय कॉस्ट, आठवां CAS हो जाएगा ये जिसको बोलते हैं यूटिलिटी, पावर वगैरह किस में आते हैं, पावर वाटर स्टीम यूटिलिटी में आते हैं। नाइन्थ हो जाएगा पैकिंग, नाइन्थ हो जाएगा पैकिंग, और टेंथ हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली अपलोड कर रहे थे ना, हाँ कंटेनर में लोड कर रहे थे, तो टेंथ हो जाएगा डायरेक्ट। इलेवेंथ हो जाएगा सुपरवाइजर, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। 12 हो जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस, 13 हो जाएगा सर्विस कॉस्ट सेंटर। बताओ जी यहां तक कोई डाउट नहीं है? 14 हो जाएगा पोल्यूशन कंट्रोल, ये क्या लगा हुआ है, पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। 15 हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट है वो आ जाएगा, ऑफर मतलब सेलिंग। 16 हो जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 17 हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, ओके, 18 हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 19 हो जाएगा जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाली जॉइंट कॉस्ट, 20 हो जाएगा टेक्निकल नो हाउ, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ, 21 हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, 22 हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग
23 हो जाएगा ओवरबर्डन रिमूवल एंड 24 ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऐसे आपके 24 CS आपको याद हो जाएंगे। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चेक करो भाई, चेक करो। चेक करो भाई, क्लियर है, याद हो गए 24 CS के नाम। ओके, एक दो MCQ तो इस पे ही मिल जाएंगे आपको, कौन सा CS किसका है। ठीक है, तो CS पढ़ने कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया, CS होते कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो चलें, इसको नोट करना चाहो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर लो।